नमस्ते दोस्तों, आज का ब्लॉग भीमसर मंदिर है। नीचे अभी जा रहे हैं। भीमसर महादेव एक प्राचीन मंदिर है जिसे राजा कल्याणचंद ने 16वीं शताब्दी के आसपास बनाया था। ये मंदिर भगवान शिव और माता पार्वती की स्थली मानी जाती है बहुत ही सुंदर नजारा भीमसर मंदिर का। तथा उन्हीं को अर्पित है। वही इसके गर्भगृह में गणेश, महेश, मर्दिनी और हर गौरी की जय मूर्तियां भोलेनाथ, स्थापित हैं। ओम नमः शिवाय। ये मंदिर घने देवदार के जंगलों के बीच स्थित है। यह आकर श्रद्धालुओं को शांति का अनुभव होता है। भीमसर मंदिर अल्मोड़ा से 34 किलोमीटर और नैनीताल से 120 किलोमीटर की दूरी पर है। यह की सबसे अच्छी बात यह है कि आप यहाँ पर साल के किसी भी मौसम में आ जा सकते हैं। यहाँ पर पूरे साल मौसम खुशनुमा बना रहता है, परंतु अक्टूबर से मार्च के महीने में यहाँ की बात ही अलग होती है। उस समय यहाँ का मौसम पूरा रंगीन बना रहता है तथा चारों ओर हरा भरा दिखाई देता है। शनिदेव मंदिर जब तक उनकी सुचिता नहीं कमरा खोल दो तो कमरा खोलो तो कमरा ऐसे दिन दहाड़ी थोड़ी है, रात को ड्राइवर लोग कहते हैं, हम देखते हैं क्या ड्राइवर लोग कहते हैं, हम देखते हैं करके कमरा खोलते हैं। कौन सी रिजॉर्ट में? ये रिजॉर्ट नहीं है, वो टीआरसी ही पड़ता है ऊपर केवीआरएच। मैंने देखा था। और वहाँ पे पहले अंग्रेजों के बंगला और मैं सब जाऊंगा, मैं देखूंगा। कैसे जो होंगे वो लोग जिनको देखा, ये आत्मा नहीं सोचना चाहिए। नहीं मानते हैं अपने कर्मों का बहुत भुगते हैं, बाकी जो मान रहा है वहाँ का आज ही उसके लिए तो भगवान की कृपा है। क्यों कहा गया है देवता के पहाड़ों में ही थोड़ी वो जगह ऐसी है, इलाहाबाद की एरिया ऐसी है, वहां हर कण कण में जहां पर बैठो मन को साफ करके वहीं पर यही ईश्वर मिलेंगे। गया कोई कहीं पर की मंदिर है भाभी है अपने दिल के अंदर मंदिर बनाए गए थे वही से शक्ति में दिया नहीं जलाया जाता, मैं उठाता हूँ फिर उनकी कह भी देता हूँ। अरे शक्ति में दिया नहीं जलाया, शक्ति में दिया नहीं जलाया जाता, बता देता है। पर कह भी दूंगा, आपके मन में ऐसा है इस चीज को हटा दो, इस चीज को रोको। इतना कहा उसने, इतना कहा। देखो वही तो है बाबा, भी जो है ना मकान बन गए हैं। मकान शमशान में रहा हूँ ढाई साल मैंने कहा यार कौन आत्मा है, देखता हूँ आज कोई नहीं, फिर मर गया मठ पे। अरे अपना अनुष्ठान भी दिखा देखा मैंने, और जिस गण को बुलाना चाहता हूँ वो आ गया आने को। अच्छा, और उसने सर्व सर्व कुछ बताया। आत्मा कुछ नहीं करती है, आदमी का भाव अच्छा होना चाहिए,
कोई आत्मा कुछ कुछ नहीं करती आत्मा उनकी पकड़ करेगी जिन्होंने बुरा खाया बुरा कर बुरा बोलते हैं बुरा कर्म कर रहा है बुरा कर्म करते हैं उनको वो पकड़ करती पकड़ करती है। महाराज जी आप रहने वाले कहाँ के हुए? मैं यही का हुआ है लोकल है कुमाऊं कती कहाँ पे है कुमाऊं? मेरा गांव यहाँ से दूरी पड़ता है कोजा बहुत दूर पर कोबे फिल यो कांडा साइड अच्छा कांडा साइड कांडा कोजा कांडा बिमलपुर अच्छा चलो ठीक है तो मतलब ये जग पकड़ है लीबे कतु साले की जग मैं पकड़ी ना कतु साले की बोले 2006 से मतलब बोले हेल भगवान 16 साल जब से आया 16 साल हो गए जानते नहीं 16 साल हो गए बाबा आने इधर कोई देखने वाला नहीं इसलिए यहीं पर रहता और बाकी बाबाओं को क्या चाहिए उनके भजन आ जाना चाहिए उनकी सेवा हो जानी चाहिए क्या बाकी जिस भगत को बुलाते आते हैं यहाँ पर इतने किस्म के लोग आते हैं कथा भागवत नहीं करवाते हो आप क्यों नहीं पिछले साल कराया था वो करवाया करो जिससे कि जो है यहाँ की यहाँ करने वाला कौन है फिर लोग आएंगे ना अगल बगल के गांव के लोग आज एक किया मैंने पिछले साल बड़ा मुश्किल हो गया अच्छा भागना पड़ा अच्छा अच्छा सामान उमान लाने के लिए सारा सारा हर चीज के लिए एक आदमी ने फिर भी उन्होंने करवाया 11 दिन का यज्ञ करवाया अच्छा 11 दिन का यज्ञ और आए लोग आएंगे हुआ बाबा जी काम तो उठा दे लेकिन उसको संपन्न करना मुश्किल हो जाता है आज के समय पे करता चाहिए ना बिल्कुल एक जाना तो तुम ऐसा और ये है इनकी इच्छा हो तो फिर बिना किसी के भी अपने आप ही संपन्न हो जाएगा अपने आप ही हुआ बिल्कुल जब इनकी इच्छा थी तभी हम लोग यहाँ आए पता नहीं कुछ भगत मेरे बाहर की थी किसी का हमने दिखाया राशन की व्यवस्था करी किसी का हमने दिखाया पंडित जी की दक्षिणा का व्यवस्था करी बिल्कुल और शास्त्री में अच्छे बुला रहा हूँ और किसी से कहा मैंने कहा यार कुछ जो व्यवस्था हो आपकी कम से कम 2.5 लाख का खर्चा आया उसमें अच्छा क्योंकि यहाँ भंडारी में लोग कम आते हैं इतना कौन से महीने में किया ये चैत की नवरात्रि चैत की नवरात्रि में गर्मी के टाइम लॉकडाउन हो रहा लॉकडाउन के टाइम पे गर्मी टाइम पे बढ़िया टाइम पे किया आपने आए गर्मी में ही करना हुआ यहाँ अगर लॉकडाउन नहीं होता नहीं होनी चाहिए यहाँ गर्मी में ही करना हुआ बस क्योंकि आनंद जो है ना यहाँ आनंद का आनंद कोई कार्य नहीं हो पाता है बिल्कुल क्योंकि जोक लगनी जोक अभी बारिश होगी ना यहाँ भी आते हैं अच्छा जोक है जय माता दी नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय मैं भी संपर्क में रहता हूँ ना बाबा जी लोगों के जैसे कल्पवृक्ष जाते हैं जैसे महाराज जी खुद ही पूछते हैं क्या है भोजन पानी करोगे करके वहाँ का अलग चीज तो हम जो है उनसे कहते हैं एक आनंद हम कहते हैं ये है महाराज जी लोगों के साथ थोड़ा संपर्क रहता है तो उनके साथ बैठे थोड़ा सा अच्छी ज्ञान की बात है दुर्गा की बात है माहौल ये है ना यहाँ पे माहौल से कह रहा हूँ यहाँ अभी आप जरा कुछ कर ना तो शाम को सारे आए जय भगवान ओम नमः शिवाय हर हर महादेव बाबा चलो
चलते बाबा जी हैं। ठीक है बाबा। कोई पूरे में थोड़ी प्रसाद खाती है।